गुजरात के आनंद में पीएम नरेंद्र मोदी की चुनावी जनसभा, कहा देश ने 60 साल तक कांग्रेस का राज और 10 साल बीजेपी का सेवाकाल देखा, वो शासन काल था और अब सेवाकाल है। देश ने 60 साल तक कांग्रेस का राज देखा है, वो शासन काल था, ये सेवा काल है। आतंकवाद पर प्रधानमंत्री मोदी का प्रहार, कहा जिनके हाथ में बारूद गोला था आज उनके हाथ में भीख का कटोरा है। जिसके हाथ में कभी बम गोला था उसके हाथ में आज भीख का कटोरा है। पीएम मोदी ने राहुल गांधी पर साधा निशाना, कहा शहजादे संविधान को माथे पर रखकर नाच रहे हैं। आपको पता है भाई, ये कांग्रेस के शहजादे माथे पर संविधान रख करके नाच रहे हैं आजकल, देखा होगा आपने। कांग्रेस पर पीएम मोदी का जोरदार हमला, कहा कांग्रेस कमजोर हो रही, पाकिस्तान रो रहा है, कांग्रेस के लिए दुआ कर रहा है पाकिस्तान, भारत में कमजोर सरकार चाहता है पाकिस्तान। यहां कांग्रेस मर रही है और वहां पाकिस्तान रो रहा है। कांग्रेस के लिए अब पाकिस्तानी नेता दुआ कर रहे हैं। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा कांग्रेस ने देश की अर्थव्यवस्था के साथ खिलवाड़ किया, कांग्रेस 11वें नंबर पर ले गई थी अर्थव्यवस्था, आज देश की अर्थव्यवस्था 5वें नंबर पर है। 10 साल में गुजराती ने, एक चाय वाले ने देश की इकोनॉमी को 11 नंबर से 5 नंबर पर पहुंचा दिया। मैनपुरी में सीएम योगी का रोड शो, बीजेपी उम्मीदवार जयवीर सिंह के समर्थन में रोड शो, सीएम योगी पर फूल बरसाकर स्वागत किया गया। सीएम योगी के रोड शो में लोगों की उमड़ी भीड़, लोगों ने लगाए योगी योगी के नारे। भीड़ और सुरक्षा को देखते हुए पुलिस बल की तैनाती, लोगों के हाथों में नजर आए कमल के पोस्टर। सीएम योगी का मल्लिकार्जुन खड़गे पर पलटवार, कहा कांग्रेस की वास्तविकता सामने आ रही है, भारत की आस्था के साथ खिलवाड़ करना कांग्रेस की आदत है, भगवान शिव और राम को लड़ाने का प्रयास कर रही है कांग्रेस। कांग्रेस की वास्तविकता सामने आ रही है, भारत की सनातन परंपरा को अपमानित करना, भगवान शिव और भगवान राम को आपस में लड़ाने का कुत्सित प्रयास कर रहे हैं, उनका यह वक्तव्य अत्यंत ही निंदनीय है। असदुद्दीन ओवैसी का बीजेपी पर हमला, कहा बीजेपी नहीं कर पाएगी 400 पार, हैदराबाद में नफरत फैला रही है बीजेपी, आरक्षण पर सिर्फ डर पैदा कर रही है। तो पेट्रोल 100 पार हो चुका है, 400 पार का मतलब संविधान को या खत्म कर देंगे या बेसिक स्ट्रक्चर को खत्म कर देंगे और आरक्षण को, दलित के आरक्षण खत्म कर देंगे, तो ये इसका मतलब, ये 400 पार का मतलब वही चला गया जमीन पे। पीएम मोदी के एनडी गठबंधन को चुनौती, कहा अगर कांग्रेस के शहजादे में हिम्मत है तो घोषणा करें कि धर्म के आधार पर आरक्षण का दुरुपयोग नहीं करेंगे और ना आरक्षण देंगे। एनडी गठबंधन की मेरी ये चुनौती है कि घोषित करे कि वो गारंटी दे देश को, लिखित में दे, क्योंकि उन पे भरोसा नहीं कर सकते, कि वो धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं देंगे, घोषित करें। उधर गृहमंत्री अमित शाह ने हैदराबाद में माधवी लता के समर्थन में किया रोड शो, माधवी लता के समर्थन में मांगे वोट, कहा माधवी लता को प्रचंड बहुमत से जिताकर हैदराबाद को रजाकारों से मुक्ति दिलाने का काम करें। यूपी के गाजीपुर से सपा प्रत्याशी अफजाल अंसारी ने शहीदों से की माफिया मुख्तार अंसारी की तुलना, कहा सुखदेव सिंह, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद की कुर्बानी से अंग्रेजी सत्ता का पतन हुआ, आज सरकार समाज को गुलाम बनाने की कोशिश कर रही है। राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत का बीजेपी पर हमला, कहा 400 पार का नारा महज दिखावा, उनका असली चेहरा सामने आ गया है।
बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला का कर्नाटक कांग्रेस पर हमला, कहा कांग्रेस पूरी तरह से नफरत और धमकी पर आधारित है, मतदाताओं को धमकी दी गई। उधर बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला का पाक नेता फवाद चौधरी पर पलटवार, कहा अब पाक के नेता करेंगे राहुल गांधी का प्रचार तो क्या पाक का हाथ कांग्रेस के साथ है। प्रहलाद जोशी का राहुल गांधी पर जोरदार हमला, कहा कांग्रेस को चीन और पाकिस्तान से समर्थन मिलता रहा है, कांग्रेस एक भी सीट नहीं जीतने वाली। टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर का विवादित भाषण, कहा अगर मैं 2 घंटे के अंदर बीजेपी को भागीरथी नदी में नहीं फेंक सका तो राजनीति छोड़ दूंगा, रिपब्लिक भारत इस वीडियो की फिलहाल पुष्टि नहीं करता है। जम्मू कश्मीर ने नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता उमर अब्दुल्ला का बयान, कहा हम बड़े अंतर से जीतेंगे। कर्नाटक के मंत्री आरबी थिम्मापुर का विवादित बयान, कहा भगवान श्री कृष्ण से की प्रज्वल रेवन्ना की तुलना, कहा महिलाएं श्री कृष्ण परमात्मा के साथ भक्ति भाव से रहती थी। तो सीएम योगी आदित्यनाथ का रोड शो लगातार जारी है, 1 किलोमीटर लंबा ये रोड शो मैनपुरी से सीधे तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, पुष्प वर्षा लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ पर की जा रही है और आगे बढ़ता हुआ ये रोड शो मैनपुरी में 7 मई को चुनाव होना है तीसरे फेज में, और ये जो इस बार का मुकाबला है बेहद दिलचस्प है क्योंकि इस बार बीजेपी यहाँ जोर आजमाइश में जुटी है कि इस किले को किस तरह से भेदा जाए, और खुद सीएम योगी आदित्यनाथ भी इस रोड शो में नजर आ रहे हैं, कई मुद्दे अभी तक हावी रहे हैं, लेकिन चाहे हम बात करें केंद्र सरकार के जितने अभी तक के कामकाज हैं उनका असर या फिर यूपी सरकार के कामकाज का असर मैनपुरी पर कितना पड़ेगा ये फिलहाल जनता तय करेगी। और इस बीच ये रोड शो की तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कि जितने भी कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद हैं, समर्थक यहाँ पर मौजूद हैं, और साथ ही साथ सिर्फ रोड ही नहीं आसपास के जितने भी घर हैं वहाँ से भी लोग निकलकर सीएम योगी आदित्यनाथ को उनका अभिवादन कर रहे हैं, पुष्प वर्षा की जा रही है। तो 5 तस्वीरें आपके सामने लगातार ये देखें, रोड शो आगे बढ़ता हुआ, ये जनसैलाब आगे बढ़ता हुआ सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ साथ, और प्रत्याशी हैं इस बार बीजेपी के जयवीर सिंह, हालांकि मौजूदा समय में 2022 में जब उपचुनाव हुए थे तो डिंपल यादव ने यहां पर जीत हासिल की थी मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद, लेकिन क्या वही सहानुभूति वोट मैनपुरी से डिंपल यादव को मिलेगा या फिर इस बार बीजेपी नया कमाल करके यहां से कमल खिला पाएगी, ये बड़ा सवाल फिलहाल बना हुआ है अभी तक हर किसी के जहन में। साथ ही साथ बीएसपी के भी यहाँ से प्रत्याशी मैदान में।